हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। तो भाई मुझे एक ऑर्डर आया है नाजान साइट का। मैं चल रहा हूँ नाजान की साइट, तो सोचा जो है जो कुछ भी रहेगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा। इसलिए मेरी गाड़ी है, गाड़ी गंदी हो गई है भाई, बहुत गंदी है गाड़ी, लेकिन क्या करूँ, चलता रहता है, काम है। देखो भाई, अलवाहा दवगार है, दवगार से हम यू टर्न करेंगे। यू टर्न करके फिर हम जो है आगे, फिर दूसरा एक दवगार आएगा, दवगार तसालात स्टेसी, दवगार स्टेसी, फिर हम वहाँ से राइट टर्न लेंगे दूसरे वाले दवगार से, फिर जाएंगे नजान के लिए। देखो भाई, आगे दूसरा दवगार आने वाला है, दूसरे दवगार से हम राइट जाएंगे तो नाजान की तरफ जाएंगे। नाजान दिलम साना होते हुए होता बनी तमीम और लैला फलाज, जहाँ लैला मजनू की कबर है, ये रोड उसी साइड को जाता। अभी हम यहाँ से अमीन मारेंगे, ये रोड ऐसे ही होता हुआ पहले दिलम साना होता बनी तमीम लैला फलाज वादी अल्दवासी रही से ही सीधे ये रोड निकल जाएगा। ये रोड यहाँ से चाहिए, अभी हमने राइट टर्न मारा, ये अभी रोड पकड़ लो आप, लैला फलाज जहाँ लैला मजनू की कब्र है वहाँ जाता है भाई। यहाँ मौसम भी थोड़ा जो है बादल जैसा चल रहा है और शाम का टाइम है, मगरिब की अजान होने वाली है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो भाई आप लोग जो हमसे गलतियां होया करें वीडियो में, वो आप लोग कमेंट में बता दिया करो। और ये देखो शाम का मंजर है, रोड भी खाली है, आराम से एकदम 80-90 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। सामने एक इशारा आएगा, इशारे से क्रॉस होने के बाद फिर कोई इशारा नहीं है, फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इशारा खुला हुआ है, देखो हम क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हो सकता है इशारा हम क्रॉस कर जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इशारा हमने क्रॉस कर लिया है, अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई इशारा नहीं आएगा। शाम का समय है, मौसम जो है थोड़ा बादल वाला है, तो अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा और माशाल्लाह। कैमरा लगा हुआ है मोबाइल वाला और जो है वो बेल्ट वाला, देखो भाई कितना अच्छा कितना हसीन मंजर है। और ये मैं यहाँ से राइट होके फिर लेफ्ट होऊंगा, लेफ्ट होने के बाद फिर मैं अंदर मजरी की साइड जाऊंगा। तो आप लोग भाई मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धीरे धीरे रात और गहरी आती हुई